हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 और 14 जुलाई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलेना रायबगीना नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है एलेना रायबगीना रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है वीनस विलियम्स राफेल नडाल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एलेना रायबगीना और नोवाक जोकोविच। 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब की विजेता कौन है? तो महिला में है एलेना रायबगीना और पुरुष में है नोवाक जोकोविच। 23 वर्षीय खिलाड़ी एलेना रायबगीना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है और वह 2011 के बाद सबसे कम उम्र की विंबलडन चैंपियन भी बनी। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब की विजेता कौन है? तो महिला में है एलेना रायबगीना और पुरुष में है नोवाक जोकोविच। और एलेना रायबगीना कौन से देश से है? कजाकिस्तान से। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी है 10 जुलाई, ऑप्शन सी है 15 जुलाई, ऑप्शन डी है 12 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 जुलाई को। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान द्वारा पिवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT कानपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास द्वारा। कैंसर के लिए है, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए IIT मद्रास। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी है 12 जुलाई, ऑप्शन सी है 11 जुलाई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 11 जुलाई। याद करने का तरीका क्या है? तो लड़का और लड़की, ठीक है, क्या हुआ, 11 हो गया, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसका थीम लंबा है तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं, किसने नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है ओम बिरला, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है सुधीर रंजन, ऑप्शन सी है आशीष गोगोई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोहन सुब्रमण्यम को। किसे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहन सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट आते हैं, किसने पटना में बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी स्मारक स्तंभ का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है तारकेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है सुशील कुमार मोदी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने पटना में बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी स्मारक स्तंभ का अनावरण किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देवघर में एक हवाई अड्डे और एम्स का उद्घाटन किया। नेक्स्ट आते हैं, किसने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है TVS,
ऑप्शन बी है ओला इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी है बजाज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओला इलेक्ट्रिक ने। किसने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन से लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओला इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 जुलाई, ऑप्शन बी है 13 जुलाई, ऑप्शन सी है 11 जुलाई, ऑप्शन डी है 10 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 12 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं, ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2022 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ड्रग मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2022 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, OALP और हेल्प जो कभी कभी समाचारों में पाए जाते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है ऑयल, ऑप्शन सी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑयल सेक्टर से। OALP और हेल्प जो कभी कभी समाचारों में पाए जाते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ऑयल सेक्टर से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, OALP का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। और हेल्प का क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं, काना गनहल्ली जो खबरों में रहा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक में। काना गनहल्ली जो खबरों में रहा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च संरक्षित क्षेत्र हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया सिंगलीला नेशनल पार्क 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पंडा को रिहा करेगा। पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने 20 लाल पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेड लाइट जिसे हाल ही में जारी किया गया था, इसको किस दूरबीन द्वारा कैप्चर किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हबल स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है वायजट स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड लाइट जिसे हाल ही में जारी किया गया था, इसे किस दूरबीन द्वारा कैप्चर किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि का अनावरण किया। तो अनावरण किसने किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने। और इस इमेज को किस नाम से पुकारा जाता है, तो SMSES 0723। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है SMSES 0723। तो ये तो था हमारा 13 और 14 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।